हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत शर्मा आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। मेरे काफ़ी सारे साथियों को ये प्रॉब्लम रहती है और मेरे को काफ़ी नोट्स आ रहे हैं सर कि कुछ ऐसा बताओ जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, टाइमिंग का इशू आ रहा है। तो मैं उन सबके लिए आज काफ़ी सारी स्टडी करने के बाद, काफ़ी टाइम के बाद ये दूसरी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पहली वीडियो का लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि इस पर हम आज थोरोली डिस्कस करने वाले हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे क्या होता है सब कुछ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी सभी नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम हो क्यों रही है, इसका मेन रीज़न क्या है, इसके क्या क्या आप कह सकते हो क्योर क्या है, मेडिकेशन क्या है, क्या दवा ले सकते हो कि सब कुछ ठीक। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है भाई, इस चीज़ के लिए कोई एक प्रॉब्लम नहीं है और हो सकता है कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ये प्रॉब्लम ही ना हो। मतलब ये कि आपको जो लग रहा है कि आपकी टाइमिंग इशू आ रही है तो हो सकता है वो प्रॉब्लम ही ना हो, वो किसी चीज़ का इफ़ेक्ट आ रहा हो। जैसे कि आपकी किसी चीज़ की, किसी परेशानी की, किसी बीमारी की दवाई चल रही है ऑलरेडी, या स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, आप ओबेसिटी के शिकार हो रहे हो, मतलब आपका वज़न बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बीपी, या आप काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या तम्बाकू वगैरह का आप सेवन करते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं या इनमें से कोई परेशानी है, और जो सबसे बड़ा इस टाइम पर प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस, टेंशन। अगर आप टेंशन से गुजर रहे हैं तो कोशिश करें उस टेंशन को कम करने के लिए। ये आज के टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेल्स के लिए कि सर हमारा टाइमिंग का बहुत इशू है। तो ब्रदर, सबसे पहले अगर आप टेंशन से गुजर रहे हो तो उसे कम करें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो है आपकी इस प्रॉब्लम में मददगार साबित हो रहा है। आज के टाइम में जो डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से टेंशन एक बहुत बड़ा कारण है हमारे मेल्स में ये टाइमिंग के इशू के लिए। ठीक, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आ रहा है वो ये है कि आप किसी फिज़िकल एक्टिविटी में नहीं हैं। मतलब लाइक एक्सरसाइज बंद हो गई तो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो चुका है, ठीक, उसको ठीक करें। तो ये इसके छोटे छोटे मेन प्रॉब्लम्स हैं जो आप आज के टाइम में फील कर रहे होंगे। इसके लिए लोग बात क्या करते हैं कि काफ़ी सारी टैबलेट्स वगैरह को यूज़ करते हैं, लाइक मैनफोस, आपका कह सकते हैं व्याग्रा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक। या कुछ लोग आपके देसी इलाज करते हैं लाइक आपका अश्वगंधा, शिलाजीत वगैरह, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ क्या करना है, बट वीडियो को पूरा देखिए, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं किस कारण से हो रही है, ठीक। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, ठीक। ये आजकल के मेरे को लोग काफ़ी जो जिम वाले बनते हैं क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज वो एक्सरसाइज में होते हैं। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की जो मेन प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन की जो मेन परेशानी आ रही है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट डिसीजेज के कारण हो रही है, हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हो रही है, इन सब का, इसके साथ साथ इसका जो मेन रीज़न, जो दूसरा और सबसे बड़ा मेन रीज़न आजकल लोग सोचते हैं क्योंकि गूगल बाबा बहुत फेमस है आज के टाइम में, जिसको प्रॉब्लम हुई डायरेक्टली गूगल करा और देखा, उसमें जो मेन दूसरी प्रॉब्लम लोग सोचते हैं वो है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, लो टी। तो मैं आपको बता दूं 99% केसेस में लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता ही नहीं इन सभी चीज़ों के कारण जो मैंने अभी बताया, लाइक स्ट्रेस वगैरह वगैरह, इन सब के कारण वो प्रॉब्लम हो रही होती है। अब खाली प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जल्दी ही प्रॉब्लम, जल्दी हो जाने की प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम भी है, लाइक प्रॉपर इरेक्टाइल नहीं होना, मतलब प्रॉपर तनाव ना आना, प्रॉपर ये प्रॉब्लम होना, ठीक। सेकंड,
कि लोगों को ये लगता है कि हमारा जो कहते हैं आपका सीमन प्रॉपर थिकनेस नहीं आ रही है, ऐसा प्रॉब्लम हो रही है कि ज़रूरी नहीं है कि वो लोग टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कारण हो रहा हो। ठीक, अब लोग करते क्या है इसमें कि आपने टेस्टो बूस्टर ले लिया, पिल्स लेनी शुरू कर दी, तो मैं बता दूं ये सब चीज़ें गलत हैं। इन चीज़ों का अगर आप कुछ सेवन इस तरह का कर रहे हैं तो बंद करें, बिकॉज लो टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही कम केसेस में होता है। और अगर आप किसी चीज़ इस चीज़ के लिए कोई मेडिकेशन वगैरह कर रहे हैं तो डॉक्टर से सबसे पहले बात करें, प्रॉपर चेकअप वगैरह कराएं, उसके बाद पता चलेगा कि वाकई में लो टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी में है कि नहीं है। ठीक, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, सपोज़ करो आप टेस्टो बूस्टर यूज़ कर रहे हो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करने के लिए, एक बार आपने ये चीज़ें शुरू कर दी यूज़ करनी तो फिर प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी सेल्फ रिप्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन करती है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल का। ठीक, जब आप मेडिसिंस या इस तरह की कोई सप्लीमेंट यूज़ करेंगे जो आपका आर्टिफिशियली बूस्ट करेगा, तो क्या करती है बॉडी, वो टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है। जब बॉडी खुद क्रिएट नहीं करेगी तो आप उसको कब तक यूज़ करोगे, तब तक आपको लगेगा कि हाँ प्रॉब्लम में रिलीफ है। जैसे ही आप उस चीज़ को बंद कर दोगे आपकी कंडीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो इसे अभी बंद करें। ठीक, सेकंड, अगर आपको इस तरह की इनमें से कोई भी परेशानी आ रही है तो डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ नहीं जा रहे उससे पहले अपने पार्टनर से बात करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया कि इस पर इफ़ेक्ट डालता है, वो डालता है आपका स्ट्रेस। अगर आपका माइंड ठीक नहीं है, ठीक नहीं से मतलब कि आप मेंटली चैलेंज नहीं, अगर आप हैप्पी नहीं हो, किसी टेंशन से गुजर रहे हो या सेल्फ लो कॉन्फिडेंस से आप निकल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी होगी। एक तो अपने पार्टनर से बात करें, इसके ऊपर डिस्कस करें, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम में काफ़ी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इस चीज़ को मेल ईगो पे ना लेकर जाएं कि यार कि मेरे को मैं इतना नहीं कर पा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये चीज़ पर ना लेकर जाएं, पहले अपने पार्टनर से बात करें फिर डॉक्टर के पास जाएं। और एक चीज़ का आप ध्यान हमेशा रखें कि आपकी एज भी काफ़ी मैटर करती है इसमें। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको टाइमिंग में, आपकी इरेक्शन में डिफर या आपको फ़र्क दिखता हुआ मिलेगा। अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है सिर्फ एक तरीका, अपनी आपको फिट रखकर, एक हेल्थी लाइफ स्टाइल में रख। अगर आपकी लाइफ स्टाइल हेल्थी नहीं है, आप अच्छा खा नहीं रहे हो, आपकी एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले आप ये करना शुरू करें, और इस तरह का कुछ फेस कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के या किसी ट्रेनर के कुछ ना करें, ये मेरी आपको हिदायत है। और बिल्कुल भी मत सोचिए, डरिए मत या क्या शरमाइए मत कि कैसे जाऊं, किसी से बात कैसे करूं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको सबसे पहले डॉक्टर या किसी ट्रेनर से, किसी कोच से बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप बात करें, फिर कुछ इसके बारे में आप लेना शुरू करें। ठीक, दूसरा, जो आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं वो यूज़ करते हैं मैनफोर्स टैबलेट हो गई, जो इंडियन वर्जन है आपका व्याग्रा का। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये चीज़ आपकी जो व्याग्रा है, ये यूएस की एक मेडिसिन है जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले क्लेम किया था कि वो एक हेल्थी और क्या कहते हैं मैन पावर बढ़ाने में हेल्प करता है। मतलब आपको सेक्स में ये टाइम और आपकी फुल्ली इरेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, बट इट्स टेम्परेरी, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए है। अगर आप इसे शुरू करते हैं तो ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहेगा, मैक्सिमम 6 आवर्स का इसका टाइम रहता है। 6 से 7 आवर्स तक आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं, बट सेम वही परमानेंट नहीं है, और इसके खुद के भी साइड इफेक्ट्स हैं। और कौन ये लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ ना करें, खासतौर पर इंडियन वर्जन्स, जो लोकल वर्जन्स हैं व्याग्रा के, वो जैसे मैनफोर्स हो गया या और तरह की आपकी टैबलेट्स हो गई। सबसे पहला, जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो इनको बिल्कुल यूज़ ना करें। जब आप इनको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको हार्ट से रिलेटेड जो इशू है किसी को, तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी हार्ट अटैक वगैरह इस तरह का भी इशू हो सकता है। ठीक, तो वो यूज़ ना करें। सेकंड,
जब आप इन्हें यूज़ करेंगे तो आपको उल्टी का साइज़ जी, ब्लड दिखना, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि तो यह आई साइट पर काफ़ी इफेक्ट डालता है आपके। ठीक, देन इसके बाद आपका पेट खराब रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, साफ साफ ना दिखना, ये सारी नॉर्मल कॉमन इसकी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फील करोगे। ठीक, तो इसमें क्या आप एज बैटर यूज़ क्या कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं, आपकी व्याग्रा का एक लेटेस्ट वर्जन है और विद लो साइड इफेक्ट्स है। क्यों? क्योंकि आपके जो इंडियन वर्जनस हैं लाइक आपको मैनफोर्स वगैरह जो होंगे, इनकी एक बड़ी परेशानी ये है कि आप इनको खाना खाने के बाद अगर आप यूज़ करते हो, विद इन आपके 1 और 2 आवर्स आप खाना खाने के लिए यूज़ करते हो, तो इनका इफेक्ट नहीं आता, आप इनका रिजल्ट नहीं देख पाते, क्योंकि काम नहीं करती है। अगर आपने इनको यूज़ करना है तो पूरा प्लान करना पड़ेगा कि मेरे को उस टाइम पे सेक्स करना है तो उसके इतनी देर पहले लेना पड़ेगा, उसके इतने दिन पर मेरे को खाना खाने, वो पूरा प्लान करना है, मतलब कोई सडन अगर आपका प्लान बन जाता है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके इफेक्टिव नहीं है उसके लिए। ठीक, और अगर आप इस चीज़ को कुछ और अच्छा करना चाहते, लाइक सेम केस है आपका व्याग्रा के लिए, और अगर कुछ आप ऐसा चाहते हो जो जिसमें प्लान ना करना पड़े, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है सियालिस, CIALIS, साइलिस भी कुछ लोग इसको कहते हैं। ठीक, ये आपका व्याग्रा का एक अपडेटेड वर्जन है। इसमें आपका जैसे तो जो व्याग्रा के साथ प्रॉब्लम थी कि आपको खाना खाने से बाद में लेने की या आपका सेक्स करने से 1-2 घंटे पहले लेने की, तो वो इसके साथ नहीं है। आप इसे इंस्टेंट भी ले सकते हैं, अगर आपका तुरंत प्लान बना कि हाँ आप करना है तो आप उसे 5-10 मिनट पहले 15 मिनट पहले ले सकते हो, और उसका इफेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा है। व्याग्रा आपकी 7 लास्ट 7 घंटे तक काम करती है, 46 ये आपकी 36 आवर्स तक इसका इफेक्ट रहता है, 36 घंटे। साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, जैसे कि उसका क्या था कि आपको ब्लड दिखना शुरू हो जाता है, आपको प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, हार्ट के रिलेटेड इशूज़ हो रहे हैं, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो ये सब कुछ इसके साथ नहीं है। ठीक, उससे अपडेटेड फार्मूला है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसका टाइमिंग ज़्यादा है, इफेक्टिव ज़्यादा है, तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो ये कर सकते हो, और इसका आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं हैं। तो मेरी सलाह यह है आपको कि आप इसी को यूज़ करें, डेट्स कि आपकी हेल्थ इशूज़ जो हैं वो ना हो। ठीक, और मैं दोबारा कहूँगा कि सबसे पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, मे भी हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।